नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ है मेरे सह प्रतिनिधि प्रोशनजीत। अभी हम लोग खड़े हैं इस्लामपुर महकुमा के गोविंदपुर ग्राम पंचायत के मखदुमी गांव में। रहा सवाल कि इस दोपहर में यहां आने का मकसद क्या है। मकसद यह है कि इस इलाके गोविंदपुर के इलाके के बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजमर्रा के जिंदगी पालने के लिए, घर बसर करने के लिए अक्सर ही दिल्ली, हरियाणा, पानीपत, मुंबई, केरला, ये सब जगह में जाते हैं। और ऐसा ही कहानी है इस मखदुमी गांव के, जहां के एक लड़का जिसका नाम है असगर अली, उम्र तकरीबन 24 साल, पिता का नाम है रहमत अली, ये तकरीबन 8 साल से पानीपत में कंबल के फैक्ट्री में काम कर रहे थे और इस बार लॉकडाउन के वजह से वो घर वापस आए और तकरीबन पानीपत जाने के बाद वहाँ के जो किशनपुरा इलाका है उस किशनपुरा इलाके में वो किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। आरसी फैक्ट्री जिसका नाम है, वहाँ के जो साथ के लोग हैं वो बताते हैं। और गंडी मुंडी रोड के उस आरसी फैक्ट्री से कल वो ये कह के रुख्सत लेते हैं कि तकरीबन कई दिनों से हरियाणा के उस पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो किशनपुरा है वहाँ धुआंधार बारिश के वजह से फैक्ट्री में काम मंदा हो गई और खुशी खुशी वो पहले अपने पुराने फैक्ट्री से रुख्सत लिए और वहां से कल ही, माफ कीजिएगा, 13 तारीख को वहां से रुख्सत होने के बाद वो दूसरी फैक्ट्री में काम के तलाश के लिए निकलते हैं। जो फैक्ट्री का नाम राहुल फैक्ट्री है, हम पूरे जानकारी लेंगे। 13 तारीख को वो अपने जो रूम जहां किराए पर रहते हैं वहां अपने मोबाइल सामान वगैरह रख के खुशी खुशी जाते हैं उस किशनपुरा से ही 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह में अपने रिश्तेदार बिरादरों के साथ मिलने, उनसे मिलते भी हैं। लेकिन 13 तारीख को जब वहां से वो वापस आते हैं अपने क्वार्टर में तो वहां से वो लापता हो जाता है। ऐसा ही एक दुख भरी, दर्द भरी कहानी जिसका रिश्ता इस मखदुमी गांव से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 6 महीना पहले उनके साथ जो पानीपत गए थे वो 3 महीना वहां रह के घर आए हैं, रिश्ते में उसका चचा है। चलिए उनसे बात करते हैं क्या कहानी है। क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। जो असगर है, जो लापता है, 13 तारीख से असगर मेरा भतीजा है। हाँ। वो मेरा साथ काम करने गया, आज से लेके 6 महीना हुआ। 6 महीने के बाद हमने 3 महीना इधर घर आ गया, वो रह गया वहाँ, काम का मंदे हो गया। मंदे होने के बाद फिर काम का मानदे हो गया, वो सोचा है कि यहाँ काम नहीं होगा। फिर हमने दूसरी फैक्ट्री में जाके तलाश करते हैं काम का, वहाँ काम करने गया, मतलब तलाश करने गया काम पे, तो काम वहाँ तलाश किया, काम वूम का खबर लगाया। इतने में वो दोबारा आ रहा था अपने सामान वामान लेने रूम पे। पहले उसका मोबाइल कपड़ा उपड़ा पहले रखा हुआ था जहाँ पुराना काम कर रहा था, आरसी फैक्ट्री में, किशनपुरा जगह है, गंडी मुंडी रोड है। वहाँ से वो राहुल फैक्ट्री में जा रहा था, राहुल से दोबारा आया और उसका ना मतलब खोज नहीं आया, और जब वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तब से लापता है। हाँ, उसका दूसरा दिन हम लोग फोन लगाया, फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। बाद में 2-4 घंटे के बाद उसका फोन उठाया, दूसरा आदमी ने उठाया, बोलता है वो काम ढूंढने गया और काम ढूंढने के बाद मतलब इधर दोबारा आया ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये असगर भाई कितना दिन से वहाँ रहते हैं? वहाँ कम से कम 2-3 साल से रहते हैं, उससे पहले घर आया, इस बार जाने का 6 महीना हो रहा है। 6 महीना हो रहा है। हाँ जी, ठीक। वो पानीपत इलाके में तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा था वो फैक्ट्री में और कहीं दूसरी फैक्ट्री में, 2-4 फैक्ट्री में काम किया। ठीक है। हाँ जी, आप क्या मैसेज देंगे ये असगर? ये मैसेज देंगे कि भाई कोई आदमी मतलब हमारी बंगाली हो, वहाँ हरियाणा की हो, अगर उसको मिलेगा ये फोटो, ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं, किसी को मिलेगा वो भाई ने उसका अगर